फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। तो आज है कुछ स्पेशल डे, और स्पेशल डे में मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये व्लॉग शेयर करूं। तो आज है हमारे पति देव सूरज जी का बर्थडे। तो हालांकि अभी हो चुका है, 12 बज चुका है यहाँ पे, और मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कुछ सेटअप किया हुआ है उसके लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई अभी रात को, बिकॉज हम कुछ कल प्लान कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है कि अभी फटाक से उसको बुलाते हैं, और केक कटिंग के लिए थोड़ा सा गुस्सा जरूर होगा, देखिएगा कि इतना इस टाइप का सेटअप करके रखा है मैंने, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो यही पे है बर्थडे बॉय भी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे आ चुकी है ब्राउनी, और ये केक है ब्राउनी की तरफ से। तो ब्राउनी की तरफ से है ब्राउनी, और यहाँ पे हम फटाफट से लाइट्स कर लेते हैं। Okay, and here we go. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. करो। Okay, एक साथ हो गया पूरा बहुत सारा। Happy birthday. बागों भी काट लेते हैं। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी यहाँ से शुरू होता है 12 बजे, और कल रात के 12 बजे तक हम इस ब्लॉग को करते हैं। तो यस, स्पेशल डे शुरू हो गया है सूरज का। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बाबू जी से भी हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, तो मिलते हैं हम आपको कल सुबह के ब्लॉग में। अभी सबको गुड नाइट, बाय बाय। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हो गई एक सुबह, एक नए दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हुई है सूरज सिंह के हैप्पी बर्थडे टू यू से। और यहाँ पे हम पूरे रेडी है, यहाँ पे मैं अपने आपको भी दिखाती हूँ अभी। तो हम रेडी हैं, और अभी बज रहा है कुछ सुबह का नहीं, एक्चुअली दिन का हो चुका है 11:30। और अभी हमने 2-3 घंटे का प्लानिंग किया है कुछ, फटाफट से अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं ये, ठीक है, हमने प्लान किया है कि सबसे पहले हेलो। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मैं तैयार हुई हूँ, और बर्थडे बॉय की बीवी को तैयार होना भी ज़रूरी है। तो वीवो ओके, तो एक्चुअली बर्थडे पड़ गया है थर्सडे के दिन, विच इज़ वर्किंग, तो दोनों के लिए ही थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। बट ठीक है, सवेरे मैं भी काम करके आ रही हूँ, और सूरज ने भी 2-3 घंटे का गैप ले लिया है। तो अभी हम 2-3 घंटे के लिए निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट किया तो ब्रंच हो जाएगा, ब्रंच करने निकल रहे हैं। सीक्वेंस से बताते हैं, पहले जा रहे हैं बर्थडे गिफ्ट लेने, उसके बाद जा रहे हैं तुम्हारा पकौड़ा मंदिर मतलब, और उसके बाद जाएंगे ब्रंच करने। इसमें लास्ट से सीक्वेंस शुरू किया उल्टा। अच्छा हाँ सर। और यहाँ पे हमने ब्राउनी को भी ले लिया है, क्योंकि मे बी कि शाम को अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अलाउ नहीं होगी ब्राउनी, तो इसलिए अभी हमने ब्राउनी को सोचा कि चलो एक बजे फर्स्ट हाफ में ब्राउनी हमारे साथ हो जाते। और यहाँ पे मैं सूरज को दिखा देती हूँ, सूरज पूरा तैयार हो गया, और ये है इसका। अरे वापस से दिखा देती हूँ कि सूरज का ये कुछ मॉर्निंग का लुक है अभी, तो आपको मॉर्निंग का लुक ऐसा कुछ दिख रहा है। और हम निकल रहे हैं अब, तो हम आपको मिलते हैं सीधे। अब सूरज को लेना क्या है ये मैं आपको पहुंच के बताती हूँ। इसने कुछ आज स्पेशल डिमांड किया था कि मुझे ये स्पेशली चाहिए मेरे बर्थडे पे, तो मैं आपको बस पहुंचती हूँ वहाँ पे, तो बताती हूँ। सी यू देव। हाँ, हम आ गए हैं अपने पहले डेस्टिनेशन में, दैट इज़ सूरज का गिफ्ट उठाने। सो एक्चुअली गिफ्ट हमने पहले ही ले लिया था, बट हमें आज पिक करना था। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट्स अ स्पोर्ट्स शॉप। तो स्पेशली सूरज को चाहिए था, क्या चाहिए था वो अंदर चल के बताते हैं। सो एज यू नो कि सूरज बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से बहुत दीवानों की तरह बैडमिंटन खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, एंड हियर वी गो। तो यहाँ पे उसको बैडमिंटन चाहिए था, एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन द बैडमिंटन, लेकिन हमें जस्ट पिक करना था। तो आज हम स्पेशली बर्थडे के दिन आए हैं पिक करने। सो दिस इज़ द शॉप जो कि एक्चुअली सूरज को बहुत पसंद है, एंड सारे अपने जो भी इक्विपमेंट होते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बैडमिंटन वो यहीं से लेते हैं। सो आई थिंक उसका बैडमिंटन भी रेडी है। सो दिस इज़ द वन, या दिस इज़ द वन, ले लो अपना हैप्पी बर्थडे टू यू। सो दिस इज़ द वन जो, अरे क्यों ना करो, इतना शर्मा क्यों रहे हो, बताओ हाउ आर यू फील। अरे व्लॉगर इतना व्लॉगर लोग शर्माते नहीं है। और यहाँ पे ब्राउनी अलग ही जंप कर रही है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो बस हमारा ये पिक हो गया एंड बाओ कम ओके पे भी थोड़ा सा दो चार मिनट और लगने वाला है हमें बिकॉज कुछ हो रहा है बैडमिंटन के साथ एक्स्ट्रा ग्रिप लग रहा है तो उसने अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया है क्या एक्स्ट्रा ग्रिप हाँ तो अच्छा कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस कैसा है आपका बर्थडे गिफ्ट का ये लो ये अच्छा है बर्थडे गिफ्ट का प्राइस नहीं बताते बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रैकेट जो मेरे पास है अच्छा रियली ओके चलो ठीक है बता दो कितना चुनो लगा है बीवी को 6000 ओके चलो कम लगाए हो ठीक है अभी सूरज को एक्चुअली मैं बैडमिंटन शूज भी चाहिए था बट यहाँ पे कलेक्शन तो अच्छे दिख रहे हैं मुझे बट मैं इसको बोल रही हूँ कि यहाँ से देख लो बट ही इज़ लाइक नॉट इन द मूड टू टेक बट अगर मे बी अभी एक दो मिनट में मैं स्कोर बनाती हूँ तो एक्चुअली मैं इस बार सूरज ने डिमांड किया था कि इसको गिफ्ट में चाहिए बैडमिंटन शूज एंड दिस बैडमिंटन और ये सब एक्स्ट्रा सब वो सब नहीं गिनते हम लोग गिफ्ट को गिफ्ट रखते हैं तो अभी इसको थोड़ा सा बनाती हूँ और फिर लेट्स चेक अगर हमें यहाँ पे शूज़ मिल जाता है तो अभी हम 5-10 मिनट में शूज़ भी ले लेते हैं इन केस इसको पसंद नहीं आता है तो फिर वो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे बट वो पेंडिंग है अभी सो यस तो अभी बैडमिंटन पूरा रेडी हो जाता है तो एक बार ये सूरज आपको दिखा भी देता है कि उसने क्या पसंद किया था और अच्छा जल्दी से बता दो फील कैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है उसको बर्थडे से ज़्यादा एक्चुअली बैडमिंटन का क्रेज़ है आज ठीक है तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे हम लोगों को रिसीव हो चुका है बैडमिंटन ओके बहुत तेज बारिश अभी प्रियंका बता रही थी गर्मी के बारे में अब हो गया बारिश शुरू तो हम लोग यहाँ खड़े हैं बारिश में भीगने के बाद मतलब यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं है हाँ, यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं है और एग्जैक्टली जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पे हम गए बट वो एरिया ही पूरा क्लोज था अभी इवनिंग और बहुत बारिश अचानक से बारिश हो गई और बहुत तेज की बारिश की बंदी नहीं होती और हम किस तरह निकले उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा सूखा पड़ा फाइनली हमें एक पगोड़ा मिल गया दैट मीन्स एक मंदिर मिल गया वो भगवान तो सब जगह सेम होते हैं तो चलते हैं ये वाले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं ये लो टिकट Thank you. Yes, यहाँ से कुछ चढ़ाने का Excuse me, Amar. ये फॉरेन लोगों ने ज़्यादा बोले ओह यहाँ भी बादल गरजना शुरू हो गया नमोय सामोय सामोय बोनमोय ओके बोनमोय तो हमने ले लिया है चोको पाई और तो बिकॉज यहाँ पे ना भगवान को हम लोग देखते हैं कि भगवान को ये सारे मैक्सिमम लाइक ये चोको पाई या बिस्किट्स वगैरह सब चढ़ाते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि चलो प्रसाद की जगह फिर ये ले लेते हैं ये प्रसाद दे देगा और किसी को फिर ये लोग वापस से आगे देते हैं किसी को मतलब अंदर वाला दिखाओ ना वो स्टिक कैसा है ये बहुत अच्छा सा है ये हमें यहाँ पे दिस इज लाइक अगरबत्ती चाहिए थे अगरबत्ती ही है एक्चुअली आपका हाय मौत हाय वियतनाम नहीं इस पगोड़ा में आओ तो
कौन कौन सूरज को वो दिखा रही है, ले लो ले लो ओके ओके थैंक यू। जैसा कि प्रियंका बता रही थी यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती हैं, कुछ कुछ टी बिस्किट ये तो हमने चलाए थे, यहाँ बिस्किट का बॉटल है बहुत सारा, तीन चार पाँच छः सात उधर भी बहुत सारा है, बहुत सारा है, ये सारे गॉड का मिक्सर लगता है हमारा। और यहाँ से पानी का बॉटल से डेकोरेशन अंदर और है या मेन है अंदर। अब हो गया हमारा लंच टाइम, लंच ऐसे हमें लाइट करना था बट जिस तरह टाइम हो रहा है कितना बज गया, तो लाइट क्यों करना था जब ब्रेकफास्ट आप किए रहते तब आप कुछ लाइट करते ना, ब्रंच था वो ब्रेकफास्ट भी चला गया, ब्रंच टाइम भी चला गया, अब लंच टाइम पे आ गया तो लाइट क्यों करना है क्योंकि रात को खाना है ना। हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक है अभी हम ये एक्चुअली टाइम हो गया था, तो यहाँ पर सारा कुछ एक टाइमिंग होता है कि सुबह के टाइम से इतने टाइम पे खुला रहता है फिर बंद हो जाता है, तो मोस्टली सब कुछ बंद हो गया। तो हमें लकीली एक ये रेस्टोरेंट मिल गया यहाँ पे, थोड़ा सा घुमा के दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि हम पहले आए नहीं थे, एक चीज़ ये अच्छा है कि हम पहले आए नहीं थे, सेकेंड चीज़ ये ख़राब है कि अभी यहाँ का फूड का आई डोंट नो कि कैसा टेस्ट वगैरह रहेगा, बट फिर ठीक है एक बार एक्सपीरियंस करना था तो बहुत अच्छा डे कौन सा एक्सपीरियंस करना है। तो हम लोग घर आ चुके हैं, ब्राउनी से मिल रहे हैं, ब्राउनी हाफ 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 के मिल रही है, कैसे गला मिली हुई ब्राउन 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 ब्राउनी आज मेरे पास अरे आज 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 अरे 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 हैप्पी गोल ओके 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 हैप्पी गोल हैप्पी गोल हैप्पी गोल हैप्पी गोल। तो लंच कैसे लगा? हेलो हेलो सूरज सिंह, लंच कैसा था? लंच वाज गुड, अच्छा था ना? हां हेवी हो गया ज्यादा, कुछ हेवी नहीं हुआ, शाम को जाना है 7 बजे। ओके 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 हम कहाँ जा रहे हैं शाम को? ओके ओके शाम को बताएंगे, चलो फिर थोड़ी देर अब तुमको बता रहे अब थोड़ी देर अभी अभी कुछ हो रहा है, टाइम 3:15 तो हम थोड़ी देर अभी आराम करते हैं क्योंकि अब सुबह से निकले थक के, मतलब आराम मतलब बैठ के आराम से काम करते हैं ठीक है, और 1-2 घंटे बाद फिर उठेंगे फ्रेश होंगे फिर हम लोग निकला जाएगा। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, बाय बाय। कार आ गया अपना टैक्सी टैक्सी हम उधर सो यहाँ पे आ चुके हैं हम, एंड दिस इज द वेन्यू फॉर टुडेज इवनिंग, बर्थडे बॉय को डिनर कराने के लिए लेके आया गया है। सो यस यहाँ पे कुछ मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, और बर्थडे बॉय को भी मैं दिखा देती हूँ, मैं अपना ही दिखा रही हूँ देख लो। सो हियर इज सूरज, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो चलते हैं अंदर, और डिनर हमने यहाँ पे दिया
सो जस्ट चलते हैं अंदर और अभी अंदर का आपको चीजें दिखाते हैं। चलो लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस। इधर है नीचे। तो हमें जाना है JW कैफे में और डिनर। हाँ यस दिस वे चलो। तो ये हमें टेबल अपना मिल चुका है विथ अ व्यू ऑफ लेक, जो अभी अंधेरा में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है बट स्टिल मुझे एक फ्लेवर ऑफ इंडिया भी दिखा है यहाँ ये सेक्शन। सो लेट्स गो चलते हैं। हैप्पी बर्थडे। फिल्टर करते करते पहुंच रहे हैं क्या खाना है। ये चीज पिज्जा है, मेरा है सैलमन पिज्जा मतलब फिश है। सो ये दोनों चीजें हो गई यहाँ मिले हमें। आगे जो चीजें लेंगे वो दिखाते हैं, बाकी जो चीज हम नहीं खाते वो हम दिखा नहीं रहे हैं। बट बहुत सारे खाने की चीजें हैं यहाँ पे, मोस्टली बीफ पोक है तो वो तो ठीक है। Let's go. ये सेक्शन है कोरियन बारबेक्यू, अगल बगल देख के। तो ये जो हमने फ्लेवर्स ऑफ इंडिया देखा था, हम सबसे पहले वहीं पहुंच गए। वहां से हम यहां पर आके गोलगप्पे, भिंडी तो प्याज, पनीर, पिज्जा, बैगन मसाला, छोले, गोलगप्पे, और ये सब लेके आए हैं। यहाँ पे सूरज के लिए आया है मेरठ की तरफ से गिफ्ट, और गिफ्ट मिला है उसको चॉकलेट। तो यहाँ पे कुछ लेटर भी है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो मैं भी फ़ोन घुमाती हूँ और सूरज तुम ही पढ़ोगे ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं। वाओ ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, शो शो इट। वाओ गुड ओके, ऐसे पलटो दिखाओ, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ओके, पढ़ो पढ़ो। हम कैसे पढ़ो, उल्टे उल्टे करके पढ़ो ना। अब पढ़ो। डियर मिस्टर सूरज, दिस इज योर डे फिल्ड विद लव, लाफ्टर एंड एवरीथिंग यू हैड हियर। मे योर फ्यूचर ऑलवेज शाइन विद अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस एंड न्यू एडवेंचर। एंजॉय योर स्पेशल डे विद वार्म रिगार्ड्स, JW। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. अभी हमने खा लिया है बहुत 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 सारा खाना। अभी वॉक फोटो के बाद हम आ गए हैं डेजर्ट पे। क्या चाहिए? नहीं नहीं हेल्दी कुछ नहीं, फ्रूट्स के साइड मत जाओ आज, कुछ हेल्दी नहीं होना चाहिए। ये क्या कर दिया केला के साथ इन लोगों ने, कैरामलाइज्ड बनाना।
चलो खाओ, हमने सारा खाना तो खा लिया है, अब डेजर्ट टाइम है। अब डेजर्ट टाइम मोस्टली ये लास्ट है, इसके बाद हम और कुछ नहीं खाएंगे। और मैंगो ऑरेंज है, सॉरी मैंगो मैंगो तीन चार ग्लास मैंने कर लिया है। मैंने इस बार लिया पर्पल टी। ये हम यहाँ मठरी मिला है, मठरी सेव इंडियन फ्लेवर से। एक्सपीरियंस मतलब व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज कि ज़्यादा यहाँ पे आप जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि घर में जाऊंगे अकेले। So this is another surprise by Marriott. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you so much for having good time with our restaurant. Yeah, thank you, thank you. Thank you, thank you. Wow. Papa do. अब खाना पीना हो चुका है, अब हम वीडियो फोटो में लगे हुए हैं। इनका बार सेक्शन है विद लाइव म्यूजिक। हमें जाना नहीं है बट अंदर जाकर देखते हैं। ऐसा टेबल लगा है चेयर की, वो लेक का व्यू है। बाहर बारिश, गाना प्रोग्राम चल रहा है। नाइस, ये इनका ट्रेडिशनल बोट वाला देखो शेप, बोट बोट। चलो घर, हमने 1500 फोटो 1500 वीडियो ले लिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहाँ घुस रहे हो? अरे इसको जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ उसके फोटो। घूमना फिरना फोटोग्राफी सब कुछ ख़त्म और फाइनली अब हम वेट कर रहे हैं जस्ट अपनी कार का। और बहुत बॉय से पूछ लेते हैं कि उसको पूरा इंटायर डे कैसा लगा। ये अनस्क्रिप्टेड, दिस इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। तो हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा दिन, कैसा बीता? मजा आया, सबसे बेस्ट पार्ट है बैडमिंटन ना। अरे ये सुबह से लड़का बैडमिंटन के पीछे पड़ा हुआ है बट अभी खेल नहीं पा रहे हैं, बट ठीक है 10-15 दिन बाद से। हाँ, खेल क्यों नहीं पा रहे हो अभी? ये नहीं पता कि खेल क्यों नहीं पा रहे हो, तो रीज़न ठीक हो, लोअर बैक इंजरी। ओके, तो बैक में इंजरी है।
इस वजह से अभी थोड़ा सा ब्रेक है बैडमिंटन का, तो अभी दो तीन दिन बाद से वापस से स्टार्ट होगा। एंड हाँ, तो इंटायर डे को अपना बताओ कैसा बीता, कैसा लगा तुम्हें, हाउ वाज योर डे, बर्थडे बर्थडे लगा? बहुत सारा केक काटा ऐसे छोटा 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 छोटा, बहुत प्यारा प्यारा, सो इट वाज ऑल गुड, अच्छा लगा। एंड फाइनली बस हम निकल रहे हैं अब, तो कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर विशेस। अब घर चलते हैं, ब्राउनी से मिलते हैं और करते हैं वीडियो आज का फन। ओके, यहां पे हम बोल रहे हैं, दिस इज आवर कार, चलो चलो चलो। थैंक यू, तुम बैठो मुझे से बैठ। अभी कौन मिलने आएगा? ये तो मिलने आ गया, ये नहीं गया था, और ये तो दोनों से मिलेगा। और ये इसको गोदी ले लो।